नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आज सेक्शन नंबर 35 जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को डिस्कस किया गया है लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सामान्यतः ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जब आप पढ़ें तो ये बात स्पष्ट होगी सेक्शन नंबर 5 और 7 में कि वह व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी पर सारे अधिकारों का या उसमें से कुछ अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को एक ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन नंबर 35 में बताया गया। सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन कहने का मतलब ही है कि किसी न किसी व्यक्ति को दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा। कौन होगा वो व्यक्ति, कौन उसको ऑप्शन देगा, वो कैसे ऑप्ट करेगा, ये सारी बातें सेक्शन 35 में बताई गई। यहां ये बात आती है कि एक व्यक्ति जो ट्रांसफरर है, एक व्यक्ति जो ट्रांसफरर है प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफरी को, जिसको प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का प्रोसेस करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है प्रोसेस करता है। प्रोसेस कहने का मतलब ही है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एक अरेंजमेंट करता है। किसके साथ अरेंजमेंट करेगा? प्रॉपर्टी के रियल ओनर के साथ। प्रॉपर्टी ट्रांसफरर कोई और है, वो रियल ओनर के साथ एक अरेंजमेंट करेगा। क्या अरेंजमेंट करेगा? वो अरेंजमेंट करेगा कि मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी ऑप्शन के रूप में दे रहा हूं, आपकी प्रॉपर्टी मैं मिस्टर सी को ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको ऑप्शन में एक दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। अब सेक्शन 35 कहेगा रियल ओनर को, रियल ओनर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो जो ऑप्शन में प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट उनको दिया गया है वो उसको एफर्मेटिवली एक्सेप्ट कर लें। अगर वो एफर्मेटिवली एक्सेप्ट करेंगे तो ट्रांसफरर ने जो प्रोसेस किया ट्रांसफर किसी तीसरे आदमी ट्रांसफरी को करने का, वो डीड एग्जीक्यूट कर जाएगी, वो ट्रांसफर वैलिडिफाई हो जाएगा। और दूसरी ओर क्या ऑप्शन होगा कि जो ओनर है वो निगेटिवली ऑप्ट करे, वो कहे कि नहीं भाई साहब, हमें आपके पचड़े में नहीं आना, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास रहने दीजिए, ये जो ऑप्शन वाली प्रॉपर्टी है इसको आप रखिए। तो ऑप्शन वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास वापस चली जाएगी। इसी डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। इसे सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कूपर वर्सेस कूपर के केस में लॉर्ड हैथर ने डिस्कस किया था। लॉर्ड हैथर ने कहा कि किसी भी डीड में इफ यू रिटेन एनी बेनिफिट, इफ यू इंटरटेन एनी बेनिफिट अंडर ए डीड, अंडर ए विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, देन इट्स अप टू यू आइदर टू ऑप्ट पॉजिटिवली और निगेटिवली, बट यू कांट चूज हॉट एंड कोल्ड साइमेंटेनियसली। आप एक साथ गर्म और ठंडा दोनों नहीं चुन सकते, आप एक साथ किसी भी चीज को रेक्टिफाई और उसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा कूपर वर्सेस कूपर के केस में कहा गया। प्रश्न उठता है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हिंदू मुस्लिम किसी भी जो पार्टीज होंगी सब पे लागू होगा? आंसर है सब पे लागू होगा। केस आती है मंगलदास वर्सेस रणछोड़ दास के केस में, कहा गया कि पार्टीज हिंदू होंगी तो भी टीपीए का ये रूल लागू होगा। दूसरी ओर कहा गया सादिक हुसैन वर्सेस हासिम अली के केस में कि अगर पार्टीज मुस्लिम भी होंगी तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेक्शन 35 लागू होगा। क्या इंग्रेडिएंट है एक बार एग्जांपल से इसको समझिए। मिस्टर ए जो कि ट्रांसफरर है, प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, ये प्रोसेस कर रहे हैं सी को जो ट्रांसफरी है। मिस्टर ए जो ट्रांसफरर है प्रोसेस कर रहे हैं मिस्टर सी को, क्या चीज प्रोसेस कर रहे हैं? बी की प्रॉपर्टी। बी की प्रॉपर्टी है एक विला, इसको ट्रांसफर करने का प्रोसेस सी को ए कर रहे हैं। तो बी को क्या करेंगे? इन द सेम ट्रांजेक्शन, इन द सेम ट्रांजेक्शन ही प्रोवाइड ए गोल्ड माइन टू मिस्टर बी। वो उसी ट्रांजेक्शन में बी को एक गोल्ड माइन ऑप्शन के रूप में देते हैं। तब इलेक्शन कौन करेगा? अब सेक्शन 35 कहता है द रियल ओनर इज बाउंड टू इलेक्ट। रियल ओनर के ऊपर लायबिलिटी आएगी कि वो इलेक्ट करें। क्या इलेक्ट करेंगे? पॉजिटिवली इलेक्ट करें या निगेटिवली इलेक्ट करें? पॉजिटिवली इलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिवली अगर रियल ओनर इलेक्ट कर लेंगे तो गोल्ड माइन बी रख लेंगे और
विला जो है वो सी के पास चला जाएगा। क्लियर, गोल्ड माइन बी रख लेंगे, विला सी के पास चला जाएगा अगर रियल ओनर पॉजिटिवली इलेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड, अगर रियल ओनर निगेटिवली इलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, विला बी के पास बना रहेगा, विला बी के पास बना रहेगा और जो ऑप्शन में मिली हुई प्रॉपर्टी है या इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरर के पास चला जाएगा। प्रश्न उठेगा फिर सी को क्या मिलेगा, सी को ऐसे सर्कमस्टांस में कंपनसेशन मिलेगा। कौन देगा कंपनसेशन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कंपनसेशन का, इसको लेकर के इंडियन लॉ और इंग्लैंड की लॉ में अंतर है, डिफरेंसेस है। पहले इंडियन लॉ को देखते हैं। इंडियन लॉ कहता है ट्रांसफरर विल बाउंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फ्रस्ट्रेटेड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर की जिम्मेदारी होगी कि वो नैराश्य जो ट्रांसफरी है, जो फ्रस्ट्रेट हुआ, उसको कंपनसेशन दें। कितना कंपनसेशन देंगे, अगर ट्रांजेक्शन जो ट्रांसफर का किया गया वो विथ कंसिडरेशन है, विथ कंसिडरेशन मीन्स आइदर सेल है, एक्सचेंज है, अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन है तो कंपनसेशन होगा ट्रांसफरी के द्वारा दिया गया अमाउंट या वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कंपनसेशन कितना होगा, आइदर द अमाउंट पेड बाय द ट्रांसफरी और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी ए कंपनसेशन फॉर द फ्रस्ट्रेटेड ट्रांसफरी। जो निराश ट्रांसफरी है उसको इन दोनों में से कोई एक कंपनसेशन दिया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर यह पूरा ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें कोई प्रतिफल नहीं है, कहने का मतलब ये एक दान है, फिर क्या होगा, देन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कितना कंपनसेशन होगा, वैल्यू ऑफ द जो प्रॉपर्टी होगी वो कंपनसेशन तब दी जाएगी। अब इंग्लैंड में आते हैं। इंग्लैंड में ये बनाया गया रूल कि अगर रियल ओनर ने निगेटिवली ऑप्ट किया तो ये रियल ओनर की जिम्मेदारी होगी कि जो ऑप्शन की प्रॉपर्टी उसको दी जा रही है वो उसको रिटेन करे, उसमें से वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शनल प्रॉपर्टी, इस एग्जांपल में विला ट्रांसफर किया गया था तो विला की जो वैल्यू है उतनी वैल्यू उस ऑप्शन की प्रॉपर्टी में से निकाले, उसको सेल करे, जैसे करे उसमें से उतना पैसा सी को कंपनसेट करे जो फ्रस्ट्रेटेड ट्रांसफरी है, और जो बाकी अमाउंट बचा वो ट्रांसफरर को वापस कर दे या उसके लीगल हेयर्स को प्रोवाइड कर दे, उनको वापस कर दे। तो यहां लायबिलिटी सामने सामने हमने रियल ओनर पे डाल दी इंग्लैंड में, भारत में ये लायबिलिटी ट्रांसफरर की होगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी समझिए। अगर ट्रांसफरर ने रियल ओनर को जो प्रोवाइड किया है ऑप्शनल प्रॉपर्टी, अगर वो उस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, अगर एक ही ट्रांजेक्शन में वो प्रोसेस ट्रांसफर नहीं कर रहा और जो उसको ऑप्शनल प्रॉपर्टी दे रहा है रियल ओनर को, अगर वो एक ट्रांजेक्शन में ना होकर के दो ट्रांजेक्शन में है तब क्या होगा, तब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू नहीं होगी, रियल ओनर के दोनों हाथ में लड्डू होंगे, वो ऑप्शनल प्रॉपर्टी को रिटेन भी कर लेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें नहीं आई हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड द ऑप्शन प्रोवाइडेड ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी इन द सिंगल ट्रांजेक्शन। इस पर एक बड़ी लीडिंग केस आती है और केस आती है मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम करीम की। इस केस के फैक्ट को समझिए। महाराजा टोंक, टोंक एक जगह जहां के महाराजा थे, महाराजा टोंक का निधन हो जाता है। महाराजा टोंक के निधन होने के बाद उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे को ब्रिटिश सरकार ने किंगशिप प्रोवाइड कर दी कि अब ये महाराजा माने जाएंगे टोंक के। छोटे बेटे को कुछ कैश अमाउंट ब्रिटिश सरकार ने प्रोवाइड किया, उनको अपने उनके जीवन यापन के लिए छोटे बेटे को कुछ पैसा मिला। छोटे भाई को जो पैसा मिला इसको बड़े भाई ने चैलेंज किया। किस ग्राउंड पर, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो महाराजा टोंक थे जब जिंदा थे तो छोटे भाई को उसका जीवन यापन करने के लिए पहले ही उन्होंने दो गांव दिए हैं, तो सेक्शन 35 में छोटे भाई को चुनना होगा कि वो या तो दो गांव रखे या जो प्रॉपर्टी जो पैसा
ब्रिटिश सरकार दे रही है, इन दोनों में से किसी एक को चुने। यहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा इस केस में कि यहां सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी वो दोनों अलग अलग हैं, वो एक ट्रांजैक्शन के पार्ट नहीं है। कैसे? जो गांव मिला छोटे भाई को वो दिया महाराजा टोंक ने, दूसरी ओर जो पैसा मिला छोटे भाई को वो मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो यहां ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है, इसलिए छोटे भाई को ऑप्शन करने की, इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो गांव भी अपने पास रखें और पैसा भी अपने पास रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा है तब यहां रियल ओनर बेनिफिट में आ जाएगा। अब एक और इसमें कॉम्प्लेक्स इशू आता है, क्या? अगर रियल ओनर बड़ा ढीठ टाइप का आदमी है, वो पॉजिटिवली भी ऑप्ट नहीं करता और निगेटिवली भी ऑप्ट नहीं करता, ना वो हां बोलता है ना बोलता है, अब क्या होगा? अब अगर ऐसा हां और नहीं बिना बोले एक साल का समय बीत जाए, मान लेते हैं ट्रांजैक्शन 20 मई 2020 को हुआ, 20 मई 2021 बीत गए लेकिन अभी तक रियल ओनर ने कुछ भी नहीं बताया कि वो ऑप्शन की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, तब यहां क्या होगा? जो ट्रांसफरर है वो रियल ओनर से कह सकेगा कि प्लीज आप अपना ऑप्शन बताइए, आप अपना आंसर दीजिए, पॉजिटिवली करिए निगेटिवली करिए, लेकिन कुछ तो कहिए। अब लेकिन रियल ओनर महान ढीठ टाइप के आदमी है, एक साल और बीत गया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न प्लस न माइनस, अब क्या होगा? अब आएगा कानून। कानून कहता है कि अगर ट्रांसफर से 2 साल का समय बीत गया, डिमांड से और 1 साल बीत गया, मतलब 2 साल बीत गए और रियल ओनर ने न प्लस कहा न माइनस कहा, तब यहां कानून कहता है कि हम यह प्रिज्यूम कर लेंगे दैट द रियल ओनर ऑप्टेड पॉजिटिवली, रियल ओनर ने पॉजिटिवली ऑप्ट किया है, वो ऑप्शन की प्रॉपर्टी उनको मिलेगी और ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी का प्रोसेस हुआ है वो ट्रांसफरी के पास चली जाएगी। इतनी बातें टोटल रही आपके सामने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को लेकर। उम्मीद करता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझाने में मेरा यह प्रयास सफल रहा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगला जो टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा वो टॉपिक होगा ऑस्टेंसिबल ओनर किसे कहते हैं, और ऑस्टेंसिबल ओनर अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेगा तो उसमें राइट और लाइबिलिटीज कैसे खड़ी। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ते बिल्ली के नाम पे भी प्रॉपर्टी बनाते हैं, उन सारे लोगों को उनके इस तरीके की हरकतों को बैन करने के लिए ही ये सेक्शन 41 ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया और इसमें 1988 में काफी बड़ा परिवर्तन किया गया। तो क्या है सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ओनर, इसको लेकर अगले लेक्चर में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।